नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज हम बेकलाइट मैनेजमेंट को देखेंगे कि आखिर बेकलाइट मैनेजमेंट होती क्या है और बेकलाइट का सिस्टम क्या होता है। तो ये हमारा बेकलाइट होता है, ये हमारा बेकलाइट होता है। बेकलाइट का स्टिप होता है, ये एक एक करके, ये चार स्टिप है हमारी, और किसी में दो निकलती है, किसी में तीन निकलती है, किसी में चार, किसी में पांच। इस तरह हमें ये बेकलाइट देखने को मिलेगी। अब हमें इसको कैसे मैनेज करना है तो वो ही देखेंगे आज, बेकलाइट मैनेजमेंट। तो बेकलाइट मैनेजमेंट क्या होता है उसको समझेंगे, और साथ में यह भी समझेंगे कि आखिर ये मैंने आपके लिए बनाया क्या है। तो दोस्तों, हमने आपके लिए एक बहुत ही साधारण सा, एक ये मान लें आप कि जुगाड़ बनाया है हमने। वो साधारण सा जुगाड़ क्या है कि अगर आप अपनी दुकान में इस तरह का, ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह का अगर चार पट्टी, इस तरह की अगर, और ये कनेक्शन करना हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे और रखें, और इस कनेक्शन में अगर आप इस तरह ये पांच इसमें कनेक्शन होंगे, कैसे होंगे ये हम आपको बताएंगे। अगर ये रखते हैं तो ये मान लीजिए आप एलईडी एलसीडी के मास्टर हैं, और मात्र 70 रुपये की एक पट्टी आएगी, 728, 280 रुपये में, यानी 300 रुपये में आपका ऐसा ये जुगाड़ बनेगा कि आप लोग ये कहेंगे कि वाकई में अगर टेक्नीशियन है कोई तो यही है। क्योंकि इसमें क्या होगा दोस्तों कि आपको यहाँ ये एक पट्टी का जो कनेक्शन है वो मिलेगा आपको, जैसे कि हमारा एक पट्टी का कनेक्शन ये पहला वायर रहा, इसको हम जो भी बोर्ड आएगा उसमें लगाएंगे। अब कौन सा बोर्ड लगाएंगे हम ये भी बताएंगे आज। दूसरी बात, दूसरा हमारा जो कनेक्शन होगा वो ये होगा हमारा, ये वाला। अगर हमारे पास 17 और 24 का अगर एलईडी आता है तो ये वाला जैक खुरसेंगे हम, और अगर हमें 24 से 32 के बीच में आता है तो ये लगाएंगे हम। और इसके बाद अगर हमारे पास 32 से 40 के बीच में आता है तो ये लगाएंगे, और अगर हमारे पास और भी बड़ा 50 इंच का सेट आता है तो ये लगाएंगे, और अगर हमें वोल्टेज कम पड़ रहे हैं हमारे तो हम इन दोनों को सीरीज बनाकर लगा देंगे। अब ये लगेगा कैसे, ये बहुत सारे तार देख रहे होंगे, आपका दिमाग खराब हो गया है। तो दोस्तों देखिए, एक एक सीढ़ी अगर आप चढ़ेंगे ना तो इन सारी वायरों की आप कनेक्शन कर लेंगे। आज हम इनका पूरा सेशन समझेंगे कि आखिर ये इतने वायर हमने एक एलईडी की उसमें लगाए क्यों हैं। वो इसलिए लगाए हैं दोस्तों हमने ये कि आपके पास कोई सेट आए, 24 इंच का अगर सेट आया तो आप एक पट्टी जला के ये वाला है इसको उसमें लगा देंगे 24 इंच वाले में। जैसे 24 इंच का हमारा ये रहता है तो तुरंत सेट आया, हमने उठा के उसको बेकलाइट का जो जैक है वो ये रहा, ये लगा दिया, और हमारा ये पता पड़ गया कि हमारी बेकलाइट खराब है या हमारा इन्वर्टर खराब है। अगर इससे अगर आपका बेकलाइट ऊपर का ये जल गया तो मानेंगे आप कि हमारा अंदर वाला जो लग रहा है वो खराब है, अगर नहीं जला है तो फिर आप क्या मानेंगे कि इसमें कोई खराबी है। इसकी खराबी को ट्रेस करने के बाद फिर इसको जलाएंगे, नहीं तो ऊपर से अलग से कन्वर्टर लगा कर हम और अंदर वाली को चला लेंगे, यानी हमारा सारा सलूशन जो है वो यही निकलता है। आइए पहले हम इसको बनाने के विषय में, इसको
सही तरीके से सरल तरीके से बनाने के विषय में सोचते हैं कि आखिर ये इसको कैसे बनाया जाए। जो चार पट्टियों से जितनी भी एलईडी एलसीडी आपके सामने आएंगी वो भले 150 वोल्ट की हो, सभी को आप इससे चेक कर सकते हैं। इसमें पैरेलल भी हम बनाएंगे, इसमें हम सीरीज भी बनाएंगे। कहना तो दोस्तों आसान है और जब आप करेंगे तो आपको बहुत कठिन अभी कठिन लगेगा, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह सीरीज बनाई जाती है और किस तरह पैरेलल बनाया जाता है, तो आप आसानी से अपने दुकान पर इस तरह की एक पट्टी बनाकर रखेंगे और उस पट्टी ये सिर्फ टेस्टर के रूप में आप इसको रखेंगे। नहीं तो क्या होगा आपके साथ कि कभी कभी जब इन्वर्टर खराब होगा तो आप पट्टी बदल देंगे, बाद में इन्वर्टर को तो बदलना ही पड़ेगी आपको, तो जबरन आपकी अंबाली हुई, पैसा भी लगा और सामने वाले का भी नुकसान हुआ, या इन्वर्टर खराब है और पट्टी बदल दी, पट्टी सही है खराब है इन्वर्टर बदल दिया, तो उसका सारा झंझट आप इसके द्वारा निकाल सकती है। ये मैंने आपको बना के बताया, अगली क्लास में हम इसको जलाकर बताएंगे। अगली जो क्लास होगी उसको हम एक ही मदरबोर्ड से आपको इसको जला के बताएंगे, सारे कनेक्शन आपको हम समझाएंगे। आज क्या समझते हैं इसको बनाना, आज समझते हैं इसको बनाना, किसको हम कैसे बनाना है। देखिए दोस्तों, ये हमारा बेकलाइट मैनेजमेंट है, बेकलाइट को कैसे मैनेज करना है। तो आपको करना क्या है कि एक पट्टी आपने ली, जिस तरह ये ली हमने एक पट्टी, और उसके माइनस प्लस पर एक आपने प्लस पर लगा दिया वायर और एक माइनस पर लगा दिया। क्या किया आपने, एक प्लस पर लगा दिया और एक माइनस पर लगा दिया, और आप यहां से सीधे चले और इस जैक में लगा दिया। ये जैक बताया बनाया हमने माइनस प्लस करके, आपने जैक लगा दिया और अब ये पट्टी आपके कितने वोल्ट की बन गई। एक बल्ब 3 वोल्ट का है और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बल्ब लगे हैं, तो 8 × 3 यानी 24 वोल्ट हमें की पट्टी हमारी ये बन गई। यानी हमारी 24 इंच की जो एलईडी आती है उसको हम इससे आसानी से चेक कर सकते हैं कि ड्राइवर खराब है कि बैकलाइट खराब है। अगर बैकलाइट खराब होगी तो ये वाली हमारी नई पट्टी ये तुरंत जल जाएगी, आप ग्राहक को बिल दे देंगे, और अगर इस नई पट्टी से नहीं जलती है तो फिर आप इन्वर्टर तरफ देखेंगे, उसके बूस्टिंग को देखेंगे, उसके इनपुट वोल्टेज को देखेंगे, नहीं समझ में आया तो दूसरा आप ड्राइवर इंस्टॉल करके उसकी पट्टी कंप्लीट कर देंगे। अब ये तो हुई हमारी 24 इंच की बात। 24 इंच का अगर आपके पास एलईडी आता है तो इससे चेक हो जाएगी। अब इससे बड़ा आता है तो, अगर इससे बड़ा आता है तो आपको कनेक्शन एक बार कर लेना है। कैसे होंगे कनेक्शन, क्या आपने यहां से, ये था इसका प्लस और ये था माइनस। अब देखना दोस्तों, एक सॉकेट में हमने ये देखिए ये लिया, ये हमने यहां क्या ले लिया माइनस, और इस पट्टी का ले लिया प्लस, इन दोनों को आपस में हमने जोड़ दिया तो हमारा यहां कितना लोड हुआ। अब ये पट्टी क्या हुई, सीरीज में बन गई, ये एक दूसरे की सीरीज में बन गई, और अब इनका लोड क्या हुआ, एक बल्ब का लोड 3 वोल्ट, तो बल्ब हुए 8 और 8 16, तो 16 × 3 करेंगे तो हमें 16 × 3 = 48 वोल्ट का लोड हमें यहां मिल जाएगा। हमारी अब 48 वोल्ट पर जल रही है, यहां जली 24 पर, अब यहां जलेगी 48 पर। ठीक इसी प्रकार अगर अड़ता है हमारे 32 इंच
32 इंच का एलईडी हम यहां से चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास कहीं 38 और 40 इंच का अगर सेट आया तो क्या करेंगे? तो उसके लिए दोस्तों हमें देखना कितने बजे की बात है, एक वायर हमने फिर यहां से लिया और यहां गए और यहां ला के हमने यहां लगा दिया और प्लस इसका ले लिया, ये आपस में जोड़ी दिए हमने। तो अब हमारा ये कितने वोल्ट का बना? 72 वोल्ट का। यहां हमारा ये मान लीजिए आप 32 इंच से 43 इंच तक आप इसका एलईडी यहां से आप इसको नाप सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब इससे अधिक आया, कहीं 50 इंच 55 इंच का आ गया तो क्या करें? तो भी दोस्तों देखिए, अब ये एक हमने यहां से माइनस लिया और यहां दे दिया इस सॉकेट पर, और दूसरा प्लस हमने ये लिया, यहां हमने ज्वाइंट किया था, ये इससे ज्वाइंट था, ये इससे ज्वाइंट था, ये हमारी 96 वोल्ट की सीरीज बन गई। और ये सॉकेट, ये सॉकेट के विषय में आप समझ रहे ना, इस तरह का आपने सॉकेट लगा लिया और ये 96 वोल्ट हमने यहां से ट्रेस कर ली। तो ये तो हुआ हमारा 24, 32, 43 और यहां क्या हुआ 43 इंच से 60 इंच तक आप यहां चेक कर सकते हैं, यहां आप इसको देख सकते हैं, इन्वर्टर की टेस्टिंग यहां हमारी हो जाती है। अब हम चलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सीरीज में लग रही है, सीरीज तो बना ली, पैरेलल में लग रही होगी तो पैरेलल के लिए दोस्तों हम आपको एक बात बताते कि जहां हमारा ये 48 आया, ये 48 वोल्ट का एक सीरीज हमने यहां बना लिया, पहला सीरीज हमारा 48 वोल्ट का फर्स्ट सीरीज यहां बनेगा और सेकंड सीरीज हमारा इन दोनों का बनेगा। एक सॉकेट हमने यहां से माइनस से लिया और यहां से हमने प्लस ले लिया, ये हमारा 48 वोल्ट का सीरीज बन गया। दूसरा एक हमने प्लस यहां से लिया और ये जाके जहां हमने माइनस यहां से ले लिया, ये हमारा 48 का बन गया। दोनों को अगर हम वहां जोड़ देंगे तो ये डबल सीरीज हो गई। हो सकता है कि हमारा इन्वर्टर इतना लोड 96 जैसे 56 वोल्ट है इतना नहीं ले पा रहे अब, वो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की सीरीज कर देंगे। तो सीरीज इस तरह हम इसी सेक्शन में कर लेंगे। हमने आपको ये सारे कनेक्शन यहां दिखाए और टेस्टिंग भी हम अगले वीडियो में आपको इसकी बता ही देंगे, ताकि आप एक इस तरह का हथियार औजार आपके दुकान में रखें। ये औजार ही मानिए आप, ये हथियार ही मानिए, क्यों कि आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर ये नहीं बनाया ना आपने, तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। और इससे आप सीरीज और पैरेलल बनाना सीख जाएंगे, पहली प्राथमिकता। ये जो हमारा चार्ट है, डिजिटल चार्ट, इसको हम अभी ट्रेनिंग के बाद आपको दे देंगे, ताकि इससे आप सीरीज बनाना प्लस पैरेलल बनाना, ये एक पैरेलल ये हो गया पी और एक पैरेलल हमारा ये हो गया, इसकी एक पैरेलल की संख्या ये रही 48 वोल्ट और एक संख्या की 48 ये रही, हमने ये कनेक्शन करके। ये कनेक्शनों पे ध्यान देना आप कैसे बनाए हमने, इनको अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे तो दोबारा आपको बेग लाइट तरफ देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देते हैं। और प्रैक्टिकल ज्ञान हम क्यों देते हैं आपको कि हमारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो हमने प्रैक्टिकल किया है, वो हम आपको देते हैं। हम ये किताबी ज्ञान
और जबरन का ये फांका फूकी मेरे पास नहीं है दोस्तों। मैं रियल में ओरिजिनलिटी में प्रैक्टिकल ज्ञान देता हूं। अगर आपने ऐसा बना लिया तो ये मानिए कि जो मीटर होगा नहीं, आपको मीटर मीटर का काम करेगा, जो आपका बेकलाइट टेस्टर होगा वो अपना काम करेगा, लेकिन देसी बेकलाइट टेस्टर का, ये बेकलाइट टेस्टर का बाप है, वो तो कभी कभी धोखा भी दे जाएगा। जल रही है और हमने इसमें खुरसा, नहीं जलेगी, क्या करेंगे? बेकलाइट तो ड्राइवर खराब है नहीं, तो उससे सबसे बढ़िया क्या करेंगे हम, कितने इंच का सेट आया हमारा, 32 इंच का। अगर 32 इंच का सेट आया है और तो उसका लोड कितना होना चाहिए, 3 स्ट्रिप लग रही होंगी शायद उसमें, तो बेहतर से चला के देख लें, बेहतर से नहीं चलता तो 48 से चला के देख लें, और 48 वाली भी नहीं चल रही तो 24 से चला के देख लें, 24 की नहीं चल रही तो उसका इन्वर्टर खराब है, ना कि उसकी बैकलाइट खराब है। और अगर आपका इससे ये जल गई तो क्या मानेंगे आप कि हमारा इन्वर्टर सही है और बैकलाइट खराब है? और अगर ये लगाने से 24 का लगा लिया, 48 का लगा लिया, 72 का लगा लिया, अगर आपने ये लगाया और फिर भी आपकी बैकलाइट नहीं जली तो आपका इन्वर्टर खराब है, इन्वर्टर को चेक करिए। ये दोनों को, बैकलाइट खराब है तो उसको बता देगा, इन्वर्टर खराब है तो उसको बता देगा। ये इतना शानदार जुगाड़ है दोस्तों। देखिए अब हम इसके कनेक्शन आपसे मिलवाते हैं, किसमें हमें एक पहली पट्टी का जो कनेक्शन है हमारा 24 वोल्ट का, तो हमने ये एक ही पट्टी से, ये तो हुआ इसका माइनस और ये हुआ इसका प्लस, हमने एक ही वायर उसमें से दो वायर निकाले और क्या किया हमने, देखिए आप बना सकते हैं, ये एक जैक हमने यहां निकाल लिया, ये इसका काम खत्म हो गया। अब क्या किया हमने, एक वायर फिर यहां से लिया, देख नहीं रहे अब यह 3-4 वायर लग रहे हैं, एक वायर हमने फिर लिया, दूसरा वायर हमने, ये देखिए आप, एक तो ये माइनस से ही लिया, दूसरा हमने यहां इसको कनेक्ट कर दिया, ये सीरीज हो गई, और एक यहां से हमने ये ले लिया, तो ये हमारा ये दूसरा वायर हो गया, इसमें ये कनेक्टर लगा दिया। अब अगर 48 हमारा हो गया, 72 की सीरीज बनाना है हमको, तो हमने एक को और जोड़ दिया और हमने कहां से निकाल लिया, ये 72 का हमने ये यहां से निकाल लिया। अब 48 से 60 का अगर चेक करना है तो 96 वोल्ट हम को चाहिए, 96 वोल्ट का हमने ये चारों से, एक का यहां और एक का यहां, और ये सारे सीरीज बनी रहे, ये हो गया हमारा काम। एक एक्स्ट्रा लगा दिया हमने ताकि हम सीरीज में चेक करें, 48 वोल्ट की अगर सीरीज हमको सामने आती है तो उसमें भी हम, एक तो 48 का ये ले लिया हमने और दूसरा हमने ये नीला वाला 48 का ये ले लिया, एक 48 ये और एक 48 ये। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कनेक्शन जरूर आपके समझ में आए होंगे, क्योंकि हमने इतना आसान कर दिया है। और अगर नहीं आए हों इस तरह बताने पर तो क्या करेंगे, एक पट्टी लीजिए, उसमें आप एक कनेक्शन करिए माइनस का, एक करिए प्लस का, और सॉकेट लगा लीजिए, बात खत्म हुई। अब क्या करेंगे, दूसरी पट्टी रखना, दूसरी पट्टी जब यहाँ रखेंगे ऐसा ही, तो जब इसका माइनस यहाँ था तो इसका भी माइनस यहीं आएगा ना, आपस में इन्हें जोड़ देना, जब ये जुड़ गए, आपस में ये जुड़ गए, तो अब आप क्या करेंगे, एक माइनस यहां से लेंगे, ये देखिए ये आया माइनस, ये सॉकेट में लग गया, ये प्लस हो गया, ये आपकी सीरीज हो गई। इस तरह आप तीसरे में देखना, ये तीसरे में आपने ये लिया, कहां चला गया, यहां प्लस यहां से ले लिया, माइनस तो जोड़ ही देंगे हम, सीरीज बनाने के लिए हमें ये तो जोड़ ही देना है। चारों रख के सबसे पहले क्या करना है, माइनस, इसका प्लस, अब माइनस निकलेगा तो इसका प्लस, इसका प्लस तो अब माइनस निकलेगा, इसका प्लस, इसका प्लस तो अब इसका माइनस, ये सीरीज पूरी पूरी हो गई ना हमारी।
तो इस तरह आपको ये बेक लाइट समझना पड़ेगी। अब बात आती है वोल्टेज मैनेजमेंट की, तो वोल्टेज मैनेजमेंट का क्लास आज नहीं है, मैं आपको वोल्टेज मैनेजमेंट का थोड़ा ज्ञान बता देता हूं, क्योंकि वोल्टेज मैनेजमेंट को समझ लेना बहुत टेढ़ी खीर तो नहीं कहेंगे इसको, बहुत ही शानदार काम है, पूरा वोल्टेज मैनेजमेंट से आपको पूरा समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, वोल्टेज मैनेजमेंट में यहां आपने ये तीन पट्टी लगाई, इन तीनों पट्टियों का लोड है, इसमें बल्ब लगे हुए हैं 6 और 3 वोल्ट के हैं, तो 3 का हम गुणा करेंगे ये हुए 18 और 3 की सीरीज बन रही है तो कितने हुए यहां 54 वोल्ट। 54 वोल्ट आप दो तार से ले जाकर और एक इन्वर्टर में देते हैं तो यहां इन्वर्टर का लोड कितना होना चाहिए। इन्वर्टर आपको जैसे ही आप ये लगाएंगे इन्वर्टर देगा यहां कम से कम नहीं तो 66 वोल्ट, 62 वोल्ट और 60 तो बहुत अच्छा ही होगा तो ही दे पाएगा, नहीं तो यही देगा। अब क्या करें, तो इसमें जो माइनस पर रेजिस्टेंस रहती है उनको एक एक करके हमें निकालना पड़ेगी। वो माइनस की रेजिस्टेंस होती है हमारी ये, इस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपके लिए, इनमें से एक निकालेंगे 5 वोल्ट कम हो जाएंगे। यहां हमें क्या चाहिए वो बताने का मतलब है, अगर यह 54 वोल्ट का हमारा, क्यों कि ये हुई हमारी 6 18 तो ये 18 हो गए ना, यहां 18 अब 3 है ना, 18 गुणित 3 बराबर 54 वोल्ट हमारे आ गए ना, तो 54 वोल्ट ही हमको इसको देना है। अब 54 से हम मात्र 55 रख सकते हैं और 56 रख सकते हैं, बस इसके आगे अगर हमने 57 और 58 की बात करी ना दोस्तों तो हमारा बैक लाइट खराब हो जाएगा। ये वोल्ट जितने की हमारी, एक बार कान खोलकर सुन लो कि जितने की हमारी बैकलाइट पट्टी है, जैसे कि ये है, ये 18 वोल्ट की हमारी पट्टी है, 6 बल्ब लगे हुए हैं 3-3 वोल्ट के, तो 18 ही वोल्ट मां ओनली 18 ही वोल्ट कहां से जाए, इन्वर्टर से। अगर ऐसा आपने अपने दिमाग में एक फितरत बना ली कि हमारा तो हमने बैकलाइट टेस्टर से चेक किया कितना वोल्ट बता रहा, साथ में हमारी पट्टी पे लिखा है, हमने बैकलाइट टेस्टर से पूरा चेकिंग करके हमारा बैकलाइट इतने वोल्ट का बना, अगर आपका 72 वोल्ट का पूरा लोड बना तो मात्र आप 72, 73 और 74 ये आपको सहूलियत है ओनली, और एक्यूरेट अगर रख दिया यहां, अगर आपने 72 वोल्ट ही रखा इन इनपुट 72 वोल्ट दिया आपने यहां, तो क्या होगा आपके साथ 3 साल तक सेट वापस नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं आपको, और 1 साल की गारंटी हम इसीलिए तो देते हैं। राज एलईडी एलसीडी की जो भी ट्रेनिंग लेकर जाता है वो 1 साल की गारंटी जरूर देता है, क्योंकि दोस्तों बैकलाइट में बहुत प्रोटेक्शन है, बहुत पैसा है, बैकलाइट के जो सिस्टम होता है उसमें बहुत पैसा है। तो आज हमने सीखा, आज की क्लास में हमें क्या मिला सीखने को, बैकलाइट मैनेजमेंट, बैकलाइट को कैसे मैनेजमेंट करेंगे। कल की जो हमारी क्लास होगी वह क्लास होगी वोल्टेज मैनेजमेंट कैसे करें। आज तो हमने बैकलाइट मैनेजमेंट किया और बैकलाइट का एक ये हथियार बंदूक माउजर 303, और मैं तो ये कहता हूं कि ये तो वो है कौन सी आती है जो आतंकवादियों के पास रहती है। आप आतंकवादी हो जाएंगे अगर आपने
ये बेकलाइट बना ली, आपका मुकाबला आपके एरिया में कोई नहीं कर पाएगा। और बनाने का विधि ये है, हम सेशन के बाद ये डायग्राम आपको डाल रहे हैं, आप कल ट्राई करना। पुराना सामान बिल्कुल मत लगाना है इसमें, ध्यान रहे हम जो बताते हैं उसमें ज्ञान नहीं लगाना, दिमाग लगाना, ज्ञान मत करना, ज्ञान तो हमारे पास है, हम बता रहे हैं आपको। तो आप नई चार पट्टी, अच्छा ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ये छह पट्टी की है ना, छह बेकलाइट है ना, ये आप आठ की भी बना सकते हैं, दस की भी बना सकते हैं, वो और अच्छी रही। मेरे पास ये पड़ी थी, मैंने छह की बना ली, आप सात पट्टी वाली भी आती है उसकी सात बलबारी बना लो, 21 वोल्ट की एक रहेगी। आप आठ बारी बना लो, आठ थी 24 वोल्ट की एक रहेगी, दो में आपके जो है काम हो जाएगा। लगाना आप कम से कम, नहीं तो अपना 96 वोल्ट तक का मैनेजमेंट लगाना भाइयों, क्योंकि 96 वोल्ट 50 इंच के एलईडी में तक आते हैं। अब इसके बाद 100-150 की आ गई तो वो अपनी बस की भी नहीं, कह देना ले जाओ साहब कहाँ शोरूम पर, क्योंकि उसकी खोलने की जगह ही नहीं है हमारे पास। इसलिए हम 50 इंच की एलईडी तक मैनेज कर सकते हैं, बाकी झूठ बात है और गलत बोलते हैं लोग कि हम 70 इंच का सेट और ये वो हम खराब और कर लेंगे, ग्राहक माते जाएगा ना, हमारे पास 70 आना साहब, मैं आपको क्यों कि 70 इंच और 100 इंच वाले लोग बहुत ऊंचे लोग रहते हैं, डायरेक्ट कंपनी आती है साहब, हमको तो 50 इंच जिंदाबाद और लंबे लेके 43 इंच जिंदाबाद, इतना ही काफ़ी है। हमें 70% लोगों से काम करना है, 70% के लोग जो होते हैं वो हमारा दाना पानी है, वो हमारे भगवान है, बाकी 30% के लोग हमारे भगवान नहीं है, जो हमारे पास आएंगे ही नहीं, हमें लेना देना भी नहीं है। तो आज छोड़िए, आज की बातों में इतना ही कि आप बेकलाइट मैनेजमेंट, मुझे विश्वास लगता है कि कल से आप बेकलाइट मैनेजमेंट करेंगे और ऐसी पट्टियाँ अपने लिए बनवा कर रखेंगे। आज क्लास में इतना ही, कल हम वोल्टेज मैनेजमेंट पर बात करेंगे कि वोल्टेज को कैसे मैनेज किया जाता है। आ तो रहे हैं यहाँ दिया हमारी बेकलाइट के, ये कह रही है कि 24 वोल्ट, लेकिन मिल हमें यहाँ 30 वोल्ट रहे हैं तो 4 वोल्ट कैसे कम करेंगे, 48 का है मिल हमको या 56 वोल्ट रहे तो कैसे वोल्ट कम करेंगे, हमारा 72 का एलईडी है और मिल हमको या कितने रहे 80-90 तो कैसे मैनेज करेंगे, यहाँ 96 का है और 110 और 120 मिल रहे हैं तो कैसे मैनेज करेंगे। कल होगा हमारा वोल्टेज मैनेजमेंट, आज था हमारा बेक लाइट मैनेजमेंट। तो अब आपसे हम विदा चाहेंगे, जय हिंद जय भारत, कल फिर मिलेंगे।